हो गए। गणपति भगवान प्रथम पूजनीय हुए, प्रथम पूजनीय हुए, पहले उनकी पूजा हुई सबसे पहले, क्योंकि वो बुद्धि विवेक के देवता है और बुद्धि विवेक जागृत होगी तभी रुद्धि सिद्धि जागृत होगी, तभी रुद्धि सिद्धि आएगी व्यक्ति के भीतर। इसलिए बुद्धि विवेक किसी भी कार्य को करने के पहले गणेश जी की पूजा होती है, शादी ब्याह गृह प्रवेश कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है और गणपति पूजन के बाद ही कोई कार्य संपन्न होता है, अन्य देवी देवताओं की पूजन उसके बाद होती है, इसलिए गणपति पूजन पहले होता है। लेकिन गणपति पूजन पहले क्यों? शिव जी ने कहा इसलिए, शिव जी ने भी क्यों कहा, क्योंकि गणेश जी के पास तो बुद्धि विवेक है और वह बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और बुद्धि विवेक से ही अपने निर्णय लेते हैं। विवेकी कौन है, कौन विवेकी है, किसे विवेकी समझा जाए, विवेक किसे कहा जाए, किसका विवेक, कैसा विवेक, विवेक का अर्थ क्या होता है, खूब माया इकट्ठा कर लो तो धनवान हो गया बुद्धि लगाकर, वही विवेकी है क्या? विवेक से तात्पर्य क्या है, जिसने सत्य को जाना, सत्य को पहचाना और सत्य को ही जीवन का लक्ष्य बनाया, सत्य को ही आधार बनाया जीवन जीने का, वो विवेकी पुरुष है। जो ये भेद करना जानता है वह विवेकी है, जो सत्य असत्य का भेद करना जानता है, किससे जुड़ना है किससे नहीं जुड़ना है, किससे मोह रखना है किससे मोह नहीं रखना है, किसे अपनाना है किसे छोड़ना है, किसे प्राप्त करना है, जिसके पास यह निर्णय लेने की क्षमता हो वह विवेकी पुरुष है। वह विवेकी है जो भेद समझता है सत्य का असत्य का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान कौन है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृतस्म कर्म कृत, कि अर्जुन कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वह बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने कर्म और अकर्म की गति को जान लिया, कर्म क्या है अकर्म क्या है इसलिए इसको समझ लिया जान लिया। बहुत कुछ करते हुए भी जीव अकर्म है, अकर्म में ही लिप्त है, और जो बहुत कुछ नहीं कर रहा वो भी बहुत बड़ा कर्म कर रहा है। या निशा सर्वभूतानां तेषां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, अर्जुन ये रात्रि जो जीव जगत के लिए रात्रि है मेरे भक्त उसमें जागते हैं, संयमी उसमें जागता है, और जिसको संसार के लोग जागना कहते हैं वो तो ज्ञानियों के लिए सोने के बराबर है, सोने के समान है। बहुत धन एकत्र कर लिया, बहुत जायदाद इकट्ठी कर ली तो भाई बड़ा चढ़ाक, बहुत जागृत व्यक्ति है, जागृत नहीं वो तो सो रहा है माया की निद्रा में। लेकिन इसने प्रभु का भजन किया, कुछ ना करते हुए प्रभु के भजन में लीन है, बाहर से तो कुछ नहीं करता, जो भगवान का भक्त है लोग कहते हैं भला करता क्या ही आदमी, कुछ भी तो नहीं करता, भक्ति करना भी कोई काम होता है क्या? लेकिन जिसने जीवन अपना वहां पर लगाया वो बहुत कुछ कर रहा है, वो जागा हुआ है, वो कुछ ना करते हुए भी वो जागा हुआ है, वो जागृत है, लेकिन मनुष्य माया की निद्रा में सो रहा है। बुद्धि विवेक जागृत रहो, जागते रहो, सचेत रहो। भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा कि सचेत अवस्था में रहो, सचेत जीवो, सचेत खाओ, सचेत पियो, सचेत घूमो, जब सो तो भी सचेत रहो, सचेत निद्रा, योग निद्रा की बात की, सचेत निद्रा, सचेत अवस्था में रहो, निद्रा में। कैसे, किसके प्रति सचेत, क्या संसार के प्रति सचेत, नहीं प्रभु के प्रति सचेत, उसके सुमरण के प्रति सचेत रहना, उसके ध्यान के प्रति सचेत रहना, ये महापुरुषों के कहने का
अर्थ था। इसलिए जो विवेकपूर्ण जीवन जीता है, गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, अच्छे श्रोता है, वक्ता होने से पहले श्रोता होना जरूरी है, क्योंकि वक्ता बनना बहुत आसान है ऐसा तो नहीं है, लेकिन श्रोता बनना वक्ता बनने से भी कठिन है। एक अच्छा श्रोता बन जाना वक्ता बनने से भी कठिन है, अगर कोई अच्छा श्रोता बन जाए तो वक्ता से भी बढ़कर हो जाता है। बोलते समय तो वक्ता का ध्यान अपनी वाणी पर रहता है, लेकिन श्रोता जो बोल नहीं रहा है, जो सुन रहा है, अगर पूरी एकाग्रता से सब कुछ सुन जाए तो ये ज्यादा कठिन कार्य है। अच्छे से सुनना अच्छे से बोलने की तुलना में ज्यादा कठिन कार्य है, जो पूरी एकाग्रता लगाकर सुन जाए हर बात को। वो कोई संत ही है, इसलिए तुलसीदास जी ने श्रोता को संत बोला। पहले दिन की कथा में मैंने आपको बताया था, पहले दिन की कथा याद करें, क्या कहा था, संत कौन है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहीं बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, लेकिन संतों का विषय है, कहते भी संत है और सुनते भी संत है, वाचते भी संत है और सुनते भी संत है। संत कौन? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर ही जही पाना। वो संत है जो चकोर की तरह कथा को सुनता है, चकोर जैसे चंद्रमा की रोशनी को, शशि किरण को एक टक लगाकर अपलक देखता है, वैसे ही वो कोई संत होगा जो प्रभु की कथा को पूरी एकाग्रता से सुनेगा, पूरी एकाग्रता से सुनेगा, वो कोई संत होगा। तो गणेश जी अच्छे श्रोता है, अच्छे श्रोता है, हर बात को ध्यान से सुनते हैं, अच्छे दृष्टा है, ध्यान से देखते हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, चार भुजाएं हैं, एक हाथ में अंकुश और पाश है। पाश माने, अभी कुछ देर पहले बताया था ना कथा के प्रारंभ में, पाश का अर्थ क्या होता है? पाश माने जंजीर, चेन, सिक्कड़ बोलते ना, पाश जंजीर, और उसी हाथ में भाला है, अंकुश है। पाश और अंकुश धारण किया है एक हाथ में, चार हाथ है भगवान का। कितने हाथ है गणेश जी के? चार हाथ। कई कई लोग दो हाथ वाला भी फोटो मूर्ति लगा देते हैं।